लोकमान्य अभिनेता कमल हसन आज 68 वर्ष के हो गए हैं। कमल हसन का जन्म 7 नवंबर 1954 को तमिलनाडु के परमकुटी में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि उनके 3 बच्चों में से कम एक बच्चा अभिनेता बने। अपने इसी चाहत को पूरा करने के लिए उन्होंने कमल हसन को अभिनेता बनने का निश्चय किया। कमल हसन ने अपने सिने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार 1960 में प्रदर्शित फिल्म कलातुर कन्नामा से की। एम भीम सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने अपने दमदार अभिनय से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि वे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। फिल्म कलातुर कन्नामा की सफलता के बाद कमल हसन ने कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 9 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। 70 के दशक में अपने पिता के जोर देने पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना ध्यान फिल्म इंडस्ट्री की ओर लगा दिया। इस बीच अपने पिता के कहने पर उन्होंने नृत्य की भी शिक्षा हासिल की और कुछ फिल्मों में सहायक नृत्य निर्देशक के रूप में भी काम किया। वर्ष 1973 में कमल हसन को दक्षिण भारत के जाने माने फिल्मकार के बालचंद्र की फिल्म अंगरेतम में काम करने का अवसर मिला। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म अपूर्वा रंगानगल मुख्य अभिनेता के रूप में उनको सिने करियर की पहली हिट साबित हुई। वर्ष 1977 में प्रदर्शित फिल्म 16 भयानिथिनेले की व्यावसायिक सफलता के बाद कमल हसन स्टार कलाकार बन गए। वर्ष 1981 में कमल हसन ने हिंदी फिल्मों की ओर भी अपना रुख कर लिया और निर्माता एल प्रसाद की फिल्म एक दूजे के लिए में अभिनय किया। वर्ष 1982 में कमल हसन की एक और सुपरहिट तमिल फिल्म मुंदरम पिरई रिलीज हुई जिसके लिए उन्हें सिने करियर में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाद में वर्ष 1983 में सदमा शीर्षक से ये हिंदी फिल्म में रिलीज हुई। वर्ष 1985 में कमल हसन को रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया के साथ काम करने का अवसर मिला। आर डी बर्मन के सुपरहिट संगीत और अच्छी पटकथा के बावजूद यह फिल्म टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई लेकिन कमल हसन के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए कमल हसन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। वर्ष 1985 में कमल हसन की एक और सुपरहिट फिल्म गिरफ्तार प्रदर्शित हुई जिसमें उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का अवसर मिला। वर्ष 1987 कमल हसन के सिने करियर का अहम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उन्होंने एक मूक फिल्म पुष्पक में सख्त अभिनय से दर्शकों को अचंभित कर दिया। वर्ष 1987 में ही कमल हसन को मणिरत्नम की फिल्म नायकन में भी काम करने का मौका मिला। फिल्म में वेलू नायकर के किरदार के कमल हसन ने जीवन कर अपना नाम भारत के महान अभिनेताओं में शुमार करा दिया। कमल हसन नायनन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजे गए। वर्ष 1990 में प्रदर्शित फिल्म अपूराजा में कमल हसन ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में यूं तो उन्होंने 3 अलग अलग भूमिकाएं की लेकिन ऊंची कद काठी के रहते हुए भी उन्होंने जिस तरह 3 फुट के बोने के रूप में अपने आप को ढालकर दर्शकों को अचंभित कर दिया। वर्ष 1986 में कमल हसन की सिने करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म इंडियन प्रदर्शित हुई एस शंकर के निर्देशन में बनी। इस फिल्म में उन्होंने दोहरे किरदार को रुपेले पर्दे पर साकार किया। फिल्म में दमदार अभिनय के लिए कमल हसन अपने करियर में 3री बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। वर्ष 1958 में कमल हसन ने हिंदी फिल्मों में निर्देशन के साथ कदम रखा। चाची 420 में अभिनय के साथ निर्देशन भी किया। उन्होंने 4 दशक लंबे सिने करियर में अब तक लगभग 200 फिल्मों में अपने अभिनय का जोहर दिखाया है। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कमल हसन ने न केवल अभिनय की प्रतिभा में बल्कि गायकी, निर्माण, निर्देशन, पटकथा लेखक, गीत का नृत्य निर्देशन, पटकथा और गीत लेखन और नृत्य निर्देशन से भी अपने सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बनाया है। वर्ष 1981 में कमल हसन ने निर्माण के क्षेत्र में कदम रख दिया और राजा पारवाई का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने अपूर्व, सौहार्दगन 1999, थेवर मगन 1992, चाची 420 1998, हेराम 2000 और मुंबई एक्सप्रेस 2005 का भी निर्माण किया। कमल हसन ने कई हिंदी फिल्मों में भी कहानी भी लिखी। उनमें विरासत 1997 और बीवी नंबर 1 1991 प्रमुख है। वर्ष 2008 में कमल हसन की फिल्म दशावतारम प्रदर्शित हुई जिसमें दर्शकों को उनके अभिनय के लिए नया रंग देखने को मिला। इस फिल्म में उन्होंने 10 अलग अलग भूमिकाएं निभाकर दर्शकों को चकित कर दिया। वर्ष 2012 में कमल हसन के करियर की सर्वाधिक सुपरहिट फिल्म विश्वपरम प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में टिकट खिड़की पर 250 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। कमल हसन ने इस फिल्म में विक्रम प्रदर्शित हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। कमल हसन इन दोनों फिल्म इंडियन के सीक्वल टू इंडियन 2 में काम कर रहे हैं।